हे गाइस, गुड मॉर्निंग, वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। और भाई, समय हो रहा है 9:50 और अभी मेरा सुबह का सबसे पहला काम है, मुझे ब्लॉग को अपलोड करना है। रात को मैंने ब्लॉग एडिट करके सेव करके रख लिया था भाई, पर अपलोड नहीं कर पाया था। तो फटाफट अभी बैठते हैं, अपलोड करते हैं और उसको करेंगे भाई तुरंत में पब्लिश। और भाई साहब देखो, अभी तक सो रहे हो भैया। ओ भैया, 9:50 हो गए, उठ जाओ, ऑफिस जाने, ऑफिस। गाइस, गजब की कुंभकर्ण की नींद लेते हैं भाई। अभी इनको ऐसा एक दो बार और हिला के जगाना पड़ेगा, तब ये उठेंगे। तो भाई अपन अपने काम में फटाफट लग जाते हैं। मेरा व्लॉग भाई अपलोड होकर मैंने पब्लिश भी कर दिया है और वो देखो, लैपटॉप और हार्ड डिस्क और मोबाइल लगा के रखा है वहां पे, ब्लॉग भी पलट रहे हैं भाई, ठीक है, क्योंकि मोबाइल पूरा भर जाता है तो उसको खाली करना भी जरूरी है। अब उसके बीच में भाई साहब मेरे सिर पर चढ़ गए, मेरे कपड़े निकाल दो जल्दी से, मुझे तैयार होना। तो भाई इनके कपड़े भी निकाल के दिए हैं, तैयार हो गए, ठीक है, नहा धोकर पूजा पाठ कर कर और कर रहे हैं भाई सुबह का नाश्ता, गर्मा गर्म ओट, अरे ओट नहीं, अरे उपमा, उपमा, ठीक है। अब भाई साहब के चक्कर में देखो, मेरा उपमा में से भाप पूरी निकल गई और मेरा उपमा हो गया भाई ठंडा, इनका काम करने के चक्कर में। पर इनको फुर्सत कर दिए हैं, अपन दोनों नाश्ता करते हैं। अब ये तैयार होकर जाएंगे भाई ऑफिस और मैं करूंगा भाई लैपटॉप पर काम। जल्दी जल्दी बहुत सारे काम निपटा कर नहा धोकर भाई हो गए हैं फुर्सत। आज मौसम में चल रही भाई गर्म हवा, पहले जो हवा चलती थी वो ठंडी लगती थी शरीर में, अब बिल्कुल लू टाइप की लगने लगी और धूप भी बहुत ज़्यादा तीखी हो गई भाई। एकदम से मौसम कैसा बदल रहा है, बिल्कुल गर्मी ऐसा लग रहा है कि आती जा रही है, आती जा रही है। कुछ दिनों तो लगेगा भाई कूलर पंखा चालू कर लो भाई, आज के मौसम के हिसाब से लग रहा है अब तो एक दो दिनों पंखे चालू हो जाएंगे। हो गया है लंच का टाइम और इतना थकने के बाद भी भाई, पूरा काम निपटाने के बाद जब किचन में आओ तो खाना भी खुद को गर्म करना है। पर आज भाई बहुत अच्छी बात है, मेरी फेवरेट दाल बनी है, ये देखो भाई मटर की दाल, ये देखो शानदार खुशबू तो भाई एक नंबर आ रही है। और यहाँ बने हैं भाई आलू गोभी मटर टमाटर, चावल रखा है। तो मैं काम करता हूँ, मटर की दाल में बढ़िया चावल डाल के कढ़ैया में पूरा गरम करके, सब्जी वब्जी सब गरम करके, और ये रखी है भाई मूली, ठीक है। गर्मा गर्म थाली भाई मेरी तैयार है, सब आइटम मैंने ले लिए हैं और भूख लगी है बहुत जोर के। हो गई है बहुत शानदार शाम और समय हो गया है भाई पीने का पानी भरने का, क्योंकि दो दिन के बाद आया है नल और मैंने पानी लगा दिया। आवाज आपको आ रही होगी, ये देखो बाल्टी भर रही है, देखो ये, देखो ये बाल्टी भर के ऊपर से बह रही है। और अभी कम से कम 5 से 6 बाल्टी पानी हमको भाई फेंकना पड़ा क्योंकि उसमें स्मेल आ रही थी। आप एक बार चेक करते कि इसमें स्मेल आ रही कि नहीं आ रही, रुक जाओ ठीक है एक बार। हाँ भाई ये तो ठीक ठाक लग रहा है, एक बार और सुनने दो, रुक जाओ। हाँ हाँ, पानी बिल्कुल सही है भाई, दो दिन के बाद पीने का पानी मिला है। तो इस पानी को दूसरे यूज़ के लिए रख लेते हैं और इसको फटाफट, ये तो पूरे बर्तन रखे हुए हैं तो सबको धोते हैं और भर भर के किचन में पहुंचा देते हैं, क्योंकि पीने का पानी भैया स्टॉक रखना पड़ता है क्योंकि ये दो दो तीन तीन दिन गायब हो जाता है नल। भाई साहब आ गए, भाई साहब आ गए, और अभी आए थे तो मैंने इनको याद दिलाया कि भैया दूध ले आओ, ठीक है। ये दूध लेके आ चुके हैं क्योंकि दूध के बिना ना चाय मिलेगी ना कुछ काम होगा भाई, कोई काम नहीं। तो बाहरी बाहर इनको याद दिला दो तो सही रहता है, क्योंकि आने के बाद फिर आलसी हो जाती है। नहीं नहीं नहीं, अरे लाइट का फोकस पूरा पड़ गया मेरा मोबाइल। हाँ आप दिख रहा, नहीं अभी कुछ नहीं लाना, आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आराम से आ जाओ, धीरे से उतरना, देना फर्श गीला है, ठीक है। स्कूल में जाते थे ना, हाँ पूछते थे ना मैडम जी अंदर आ जाए। हो गई है अंधेरी वाली शाम और शाम होते ही चाहिए भैया गर्मा गर्म चाय, जो खुद को बनानी पड़ती है और सबको पिलानी पड़ती है, ठीक है। तो ये देखो चाय कितनी शानदार है ना, गोरी गोरी, और खोलना भी चालू हो चुकी भाई। और यहाँ मैंने पहले दूध गर्म करके गैस बंद कर दिया है। भाई साहब चाय पी के फिर गए मुंह हाथ धोकर आके बैठे भाई, और बैठ के देखो डिब्बा भर के चूड़ा खा रहे हैं। मैंने बोला आधा डिब्बा तो तुमने चूड़ा खा लिया है, मैं क्या बोलता हूँ सुनो मेरी बात, मैं सबसे अच्छी बात बोल रहा हूँ, सबकी पेट पूजा हो जाएगी और मन बिल्कुल ना चटक हो जाएगा एक नंबर का। उपमा बनाना है? नहीं नहीं, उपमा तो सुबह खाते, वो दो ही टाइम तो पोहा खाना है। अरे नहीं सुनो, वो सांचा लाके अपन रखे अप्पे वाला, गाइस अपन मार्केट से अप्पे वाला सांचा लाके रखे हैं, ठीक है। अरे मैं दही दो दिन चला, अरे रुको तो मैं बोल रहा हूँ, आज समय भी है, थोड़ा समय निकाल के अपन चलते हैं, कुछ चटर पटर बनाते हैं। वो सांचा मेरे को रोज देखता है ना,
अप्पे वाला तो बोलता है मेरे को लाके रखा के सजाने के लिए, मेरे को बना दो सुनो। अब मेरे को अंदर से पता नहीं, मैंने अभी यूट्यूब पे वीडियो देख ली भाई, तो मेरा अंदर से पेट में गुलर गुलर टाइप का होने लग गया, और गुलर गुलर की खाना तो वही खाना भाई। मैं चूड़ा नहीं खाऊंगा, मैं अप्पे खाऊंगा। चूड़े का डिब्बा बंद करके अब अप्पे चलते भाई। और सुनो, उसकी बहुत सारी तैयारी नहीं है, तो जो घर में सामान है अपन उसको मिलाते हैं और बढ़िया बनाते हैं अप्पे। भाई अप्पे तो आपने खाया होगा, पर हमारे प्रेम के द्वारा जब अप्पे आप देखोगे ना, आहा मुंह में पानी आएगा। अरे चल भाई, अब बर्दाश्त नहीं होगा। सुनो, अब मेरे से बर्दाश्त नहीं होगा, जल्दी खाना। फर्स्ट टाइम हमारे घर में बन रहा है। हाँ, मेरे घर में पहली बार अप्पे बन रहे हैं। साचा लाके हमको 12-13 दिन हो गए हैं, ज्यादा 2 दिन से ज्यादा दही लाके रखा हूँ, दही लाके रखे हैं। तो फटाफट चलते हैं, पहुंच गए भाई हम किचन में। और हमारी तैयारी देखो ये है, मैं बताता हूँ आपको। सबसे पहले देखो भाई, हमारे पास रखा 1 किलो दही है, ठीक है, सूजी है, और मटर रखे हैं, टमाटर है, और हरा धनिया भाई हमारे पास इतना ही है, और सोडा है, और बाकी ये सब मसाले हैं, और हरी मिर्ची नहीं है, और ठेले वाले भैया की आवाज भी नहीं आ रही कि हम उनको बुला के मिर्ची ले लें, तो हम बिना मिर्ची के भी खा सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। सबसे पहले भाई क्या करना पड़ेगा आपे बनाने के लिए, सूजी यानी जिसको रवा बोलते हैं, उसको दही के साथ और हल्का सा पानी मिला करके और थोड़ा सा सोडा डाल के, खाने वाला सोडा डाल के, हमको करीब आधे घंटे के लिए भिगो के छोड़ना पड़ेगा, ठीक है। फूल जाएगा ना, तो उसमें अपन थोड़ा सा मटर को हल्का सा फ्राई करके पका के हल्का सा, और धनिया टमाटर सब काट के अपन उसमें डाल देंगे, यानी कि पूरी सब्जियां मिक्स कर देंगे। उसके बाद नमक, काली मिर्च और थोड़ा सा लाल मिर्च मिला करके फिर अपन इसको आपे के सांचे में भर के बनाएंगे। तो कह रहे हैं मतलब कि आधा घंटा इसको भिगो के रखना पड़ेगा। आधा घंटा अपन भिगो के रखते हैं क्योंकि मीठी दही है ना, इसलिए। हाँ, मीठी दही में थोड़ा सा आधा घंटा दे दो, अगर खट्टा रहे ना तो 10 मिनट में आपका हो जाता है। और छाछ भी डाल सकते हैं क्या इसकी जगह पर? छाछ भी डाल सकते हैं, गाइस दही ना हो तो छाछ भी डाल दो, दही डालने से क्रीमी स्वाद आता है। अच्छा ठीक है, तैयारी चालू करो फटाफट। चलो मैं शुरू करता हूँ। ये सबसे पहले मेरा ये बताओ, इतनी सूजी में तो हो जाएगा ना बहुत सारा भैया? इसमें बहुत बनेगा, इसका कम रखना, पर थोड़ा सा बना रहे हैं। तो ये हो गाइस, ठीक है भाई साहब, डाल रहे हैं के हिसाब से बना रहे हैं। हाँ, चार चार भी मिल जाए तो चल जाएगा, बस उसके बाद ये 3 पलटा 4 पलटा, ठीक है। ऐसा सूजी डालना है, ये 5-6 पलटा डालोगे, 6 अब इसमें दही है, बस बस ठीक है ना भाई साहब। अब ऐड कर रहे हैं दही को, ये बहुत ज्यादा मीठा दही है और कल रात से फ्रिज में रखा है, ठीक है। तो ये दही को फ्रिज में ना रखो, आप नॉर्मल टेम्परेचर पर डालोगे तो इसमें ज्यादा स्वाद आएगा। तो मैंने आधे घंटे से निकाल के रख दिया भाई, ठीक है। दो इतने मतलब 5-6 पलटा कितना लिया था सूजी? 6 पलटा 6 पलटा 6 चम्मच। हाँ ठीक है। अच्छा हाँ, ये एक बात याद रखनी है, जितनी सूजी लोगे उसकी आधी दही लेना, अगर आधा किलो आपने सूजी लिया तो 1 पाव दही लेना है। अच्छा ठीक है, तो मेरे ख्याल से तो हो जाएगी ना, और थोड़ा सा पानी भी ऐड होगा, पानी भी ऐड होगा। भाई साहब ऐसे भाई साहब मिला रहे हैं, ठीक है, गोल गोल करके इसको सब इसको मिक्स कर लेना है, तो आपकी सूजी इसमें पूरी तरह से सन जाएगी। उसके बाद हल्का सा पानी ऐड करना, थोड़ा है पानी डालना, नीचे का तो पतला ना हो जाए। हाँ, नदी नहीं बहानी है अपन को, ठीक है। और ऐसा चलाते हैं भाई, ये देखो इसको ना, ये सूजी ना फूलती भी है। अच्छा, डबल हो जाएगी। हाँ मतलब कड़ी हो जाती है। अच्छा ठीक है, तो ये चलाते जाओ, हल्का हल्का पानी भी आप भाई ऐसे थोड़ी देर चलाना है अपन को। हमने सूजी, पानी और दही को अच्छी तरह से मिक्स कर लिया है। उसके बाद हम डाल रहे हैं सोडा, या आधी चम्मच सोडा होगा भैया? भाई 2-3 चिटकी बस, ज्यादा चिटकी डालना, ठीक है, ज्यादा नहीं करना, नहीं तो कड़वान स्वाद आएगा, बिल्कुल कड़वा हो जाता है। और इसको भाई इस तरह से अपन ऐसे ऐसे मिक्स करेंगे, बढ़िया। रख दो पहले उसको, रख दो ना अलग साइड में, पहले इसको मिलाओ फटाफट। ये लो, तो भाई इसको एक ही तरफ चलाना, ठीक है, गोल गोल चलाना है, दूसरा तरफ में चलाना। देखो चम्मच ऐसी चले ऐसी ना चले, तो इसमें अच्छा फूलता। हाँ, है ये बोलते कि एक तरफ चलाने से चीजें नहीं, मैंने भाई रिसर्च किया है, मैंने भजिया भी सुनो, मैंने भजिया बनाया था, तो बेसन दोनों तरफ फेंट दो ना तो भजिया कड़ी नहीं होती, कुरकुरी नहीं होती, वो लुरलुरी सी हो जाती भाई, ऐसे बटोर जाती है, ठीक है। और एक तरफ चलाओगे तो क्रंची भजिया बनती है, उस तरह से इसका सिद्धांत है कि एक ही तरफ चलाना है। और अच्छी तरह से मिक्स हो गया है, अब इसको ढक के रख देंगे भैया आधे घंटे के लिए, अपन इसको रख देते हैं भाई। गाइस आधा घंटा ये पूरा मटेरियल जो है, बाद में मिलाऊं, क्या पता, नमक मिला दे, बाद में मिला दो सही रहेगा, अभी तो इसको भीगने दो चुपचाप। तो आधे घंटे के बाद हम फिर से यहीं पे मुलाकात करते हैं, ठीक है। जब तक ये भीगेगा, फूलेगा, आराम करेगा और अपनी जो कहे ना क्वालिटी को मेंटेन करके आगे बढ़ाएगा। हमारे पास भाई पूरे आधे घंटे का समय था, तो हमने बोला नीचे बैठने से और काम करने से कोई मतलब नहीं है, सीधे आ गए भाई छत पर, मस्त झंडे हिल रहे हैं, हवा बिल्कुल सनन सनन चल रही है, और आधे घंटे की मस्त स्पीड वाली वॉक करेंगे। और ये समझ में नहीं आ रहा भाई, वॉक करने का सबका पेट अंदर चले जाते, मेरा पेट बाहर आते जा रहा है।
क्योंकि आप कम कम करते हो इसीलिए। अरे रेगुलर करो रेगुलर। अच्छा ये ऐसा हो रहा है कि बीच बीच में एक आध दिन गैप हो जाता होगा, गैप होने की वजह से प्रॉब्लम होता है, फुग्गा की तरह पेट बाहर आ जा रहा है। भाई जितनी टमी मैंने अंदर टहल के नहीं करी उतनी तो बाहर आ जा रही है, तो मैं मेरा पेट सोच रहा है और मैं सोच रहा हूँ कि मुझे डबल टहलना पड़ेगा, तब मेरी टमी ना अंदर जाएगी। भाई पूरे आधा घंटा भाई हो चुका है और हम फिर से लग गए हैं तैयारी में। अप्पे का डो हमारे पूरी तरह से तैयार है, धनिया पत्ता डल चुका है और इसमें अभी हमें मिलाना है नमक। और भाई हमारे पास मटर और टमाटर है, इसका तड़का डालना है। भाई ये डाल दो, कढ़ाई और से भिजल चुकी है, बहुत तेज छोड़ दिए थे आपने। तो भाई ये राई का तड़का डाला है, बहुत शानदार सरसों हाँ बहुत बढ़िया। और ये हमारा सांचा धुल चुका गरम है भाई, गरम पानी डाल दो, सब डाल दो। ये देखो भाई मस्त तेल में हरे हरे मटर तैर रहे हैं और ये फूटने लगते हैं, इसको ढक दिया, नहीं तो मुंह पे पड़ जाएगा, कैमरे पड़ जाएगा तो आदमी घायल हो सकता है। डालते ही होते कढ़ैया बहुत ज्यादा गर्म हो गई थी ना एक्चुअली में, इसलिए फूटने लगे। तो अब जब थोड़ा मटर पकेगा तो उसके बाद जाएगा भाई टमाटर, तो ये सब तड़का भड़का चलता रहेगा। इसमें नमक मिलाना है, इसके नमक मिला के इसको चलाना है। ये कहाँ डाल दो ना अंदाज, बहुत ज्यादा वो नहीं करना ठीक है, मीठा मीठा नमक होना चाहिए बस, ये ठीक है। और इसको मिला दो, लाल मिर्ची डलेगी हाँ तो डाल दो। ये देखो भाई हमारे पास कुटी वाली लाल मिर्च है गाइस, ठीक है, हमने पैकेट कुटा वाला खरीद के लाया था। काली मिर्च भी डाल दो, बढ़िया हाँ यार जी लो, अरे इसका तो एक तरफा स्वाद होता भाई। बस 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 बढ़िया 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 बढ़िया, अरे बहुत ज्यादा ना हो जाए नहीं तो तीखे के मारे ना सब जलने लगेगा भाई। भाई साहब मिर्चे के खाने के बाद जब सुबह निकलता है बहुत काली मिर्च चीजें मेरे को बहुत पसंद है, बहुत पसंद है, आई लव काली मिर्च, उसका मटेरियल बहुत बढ़िया लगता है। चला दो यार इतनी शुभारंभ करो जल्दी से। गैस हमारी जल चुकी है और अप्पे का सांचा गरम हो चुका, सभी सांचों में हमने तेल डाल दिया थोड़ा थोड़ा, तो भाई साहब भरना चालू करें। ये लो भैया शुभारंभ हो चुका है, बढ़िया ऐसे देखो सब में डालना, ठीक है, बहुत बढ़िया टेक्सचर है, बहुत शानदार लग रहा था। ये 12 बनेंगे भाई एक बार में, ठीक है 12, अब इनको ऐसे भरते जाएंगे भाई साहब पूरी लाइन से, और गंजी भर के भाई मेरे को 3-4 बार बनेगा लग रहा, बहुत सारा आराम से बन जाएगा। इस वाले में भी डाल दो थोड़ा थोड़ा, हाँ ये अरे बहुत सही यार, खुशबू भी आना चालू हो गई भाई, अच्छी लग रही, अम्मी खुशबू आ रही है, दही का जो टेक्सचर वाली खुशबू होती है ना वो भी आ रही है, सुंदर आ रहा है हाँ, और नमक वाला ही खुशबू उड़ रही है, सूजी पर पकने लगती तो हल्की सी खुशबू आती ही है, ये बात सही, दही का टेक्सचर आएगा इसमें तो। गाइस क्या सुंदर लग रहा है यार, बढ़िया है। अपन भाई सब सुनो तो एक सांचा और ले आएंगे, हैंडल वाला सांचा जिसमें ढकने के लिए ढक्कन मिलता है, हाँ पिछले जो अपन ने छोड़ दिया ना वो बस, ठीक है एक्स्ट्रा मत डालो सब चिपक जाएंगे एक में। ये देखो गाइस तेल पूरा ऊपर आ गया है, धीमी आंची हमने कर दी है, और ये देखो भाई धीमी आंच से चल रही, ठीक है बढ़िया, इसको थोड़ा सा ढक भी सकते हैं अपन प्लेट से, और ये थोड़ा जब पकेगा ना तो बढ़िया है। और हमने सुनो इसको पलटने के लिए हमने यूट्यूब पर देखा था, पतली सी सलाई का यूज करते भाई, हमारी मम्मी जी ने दे दी स्वेटर बीनने वाली सलाई, बोली ऐसे ऐसे गोल गोल करके इसको पलट लेना, तो भाई साहब ने ढक दिया है, अब जैसे ये पकता है मुंह दिखाई कर रहा है। 5 मिनट बाद 3 से 5 मिनट के बाद इसको पलटेंगे, ठीक है। भाई साहब बोल रहे थे कि 3 मिनट और 5 मिनट, गाइस ये तो मुश्किल से 1 मिनट में ही पक गया, ये देखो कितना शानदार। भाई ये सलाई ले लो अच्छी से पलटेगी मालूम, नहीं नहीं क्या है आपस में चिपक गया ना भैया। अच्छा आपने जो ऊपर से ऊपर लेपिंग कर दी थी ना उस पर प्लास्टर चढ़ा दिए थे जो डबल डबल वार में, कोई चक्कर में कहानी बन गई। तो भाई देखो इसको ऐसे ही पलट सकते हैं अपन जैसे सीखे ना, हाँ ऐसे भी, ये देखो बहुत बढ़िया यार, एक नंबर कलर आया भाई साहब, मैं मालूम मिशन सक्सेसफुल हो गया, बढ़िया सुनो शानदार मिशन सफल हुआ है भाई, बिल्कुल हाँ ये बात सही है, बीच बीच में तेल डालोगे ना तो जो पलटने में आसान हो, मैं वो ट्राई करके देखता हूँ मैं सीख से पलट पा रहा हूँ कि नहीं, पलट जाएगा नहीं अभी थोड़ा पका नहीं है तो पलट नहीं रहा है, यूट्यूब पे तो पलट जाता है पक पक यार, हाँ ये तो पलट रहा है। गाइस 2 मिनट में इसको पलटते हैं पहले फटाफट, सभी अप्पो ने करवट बदल लिए भाई और अपने नए रंग रूप के साथ आपके सामने प्रस्तुत है, ठीक है। अब नीचे का टेक्सचर पक रहा है और भाई साहब ने तेल डाला है मस्त, भाई हम तेल वेल में कंजूसी नहीं करते ना, घी में कंजूसी करते ना तेल में कंजूसी करते, अरे बढ़िया दवा दवा के खाओ पेट तो निकलना ही है। तो आप फिर से ढक दिए हैं और फटाफट ये बन जाएगा, उसके बाद ये पूरा बनाना है तो इसमें लगेगा भाई 3-4 खेप में लग रहा बनेगा, उसके बाद बढ़िया थाली, कम से कम 4 पाली बनेगी, पूरी थाली भर के फिर मुंह दिखाई कराते हैं, एक नंबर इंतजार खत्म कराते हैं मुंह दिखाई कराते हैं। भाई ये देखो अप्पे कितने शानदार मस्त फ्लॉफी, भाई 3 पाली मैंने बना दिए 3 राउंड, ठीक है गाइस ये देखो ये अभी ये देखो ये देखो ये
प्लेट में है भाई, टेक्सचर इतना शानदार है, खुशबू बड़ी अच्छी आ रही है और मैंने खा लिया है, बिल्कुल फ्लफी फ्लफी मुलायम मुलायम गुदगर गुदगर दही का स्वाद बड़ा आ रहा भाई, बड़ा शानदार है। सीधी बात बोले तो भाई एक नंबर का बना है जी अप्पे, बहुत बढ़िया शानदार मजेदार स्वादिष्ट एक नंबर का आप सबके लिए। हो गया है डिनर का टाइम और गर्मा गर्म थाली भाई मेरे हाथ में है और आज बना है हल्का हल्का लाइट वेट बहुत शानदार। तो ये है भाई खिचड़ी, ये देखो शानदार मटर वाली खिचड़ी है और ये है मीठी मीठी दही, दही है खिचड़ी है ठीक है ना, और भूख लगी है बहुत जोर के। गाइस समय हो रहा है 12:54, हो गई भाई बहुत रात, अब बैठ रहे हैं ब्लॉग को एडिट करने के लिए, इसलिए ब्लॉग की करते यहीं पर एंडिंग। आई होप आपको ब्लॉग तो अच्छा लगा होगा, तो ब्लॉग को लाइक कर देना, चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, मिलते कल एक नए ब्लॉग में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड नाइट, बाय बाय।